Shruti Smriti Puran. आचार्य श्रीकृष्ण बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्या प्रतिवा उज्ज्वला व्यापिनी भूया साहिलो ही श्री सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्या या वरधता अभिवरधता नत्वा श्री वल्लभाचार्यं पुष्टि मार्ग उपदेशकान् विट्ठलेषान गुरुं स्तवौ बालकृष्ण मम प्रभुं श्री नमः श्री गुरुभ्यो नमः उपस्थित आप समस्त प्रियजन वल्लभिय जन वैष्णवजन मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस नए सत्र में इस वैष्णव की वार्ता के क्रम में श्री गुसाई जी के द्वारा अनुग्रहित ऐसे अष्ट सखान में से चार सखा उनमें के श्री चतुर्भुज दास जी के वार्ता के अंदर हम प्रवेश करते हुए मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं YouTube एवं Facebook लाइव के माध्यम से एवं हमारे इस सत्संग की सभा के अंतर्गत पधारे हुए मैं सभी महानुभावों का हृदय पूर्वक आवाहन के साथ नमस्कार के साथ खूब खूब स्वागत कर रहा हूं आप सभी लोग जो मुझे सत्संग का ये एक अवसर प्रदान करते हैं तो दिवस भर मैं इस एक घंटे को आपके साथ व्यतीत करने के लिए बहुत तत्पर रहता हूं और बड़ी उत्सुकता बनी रहती है कि शयन हो जाएंगे फिर मैं जल्दी से महाप्रसाद लेकर कणिका लेकर और आप सभी के बीच यहां पे सत्संग में प्रवृत्त होने आ जाऊंगा तो बस इसी प्रकार के एक प्रेम सौहार्द और आप सभी की सज्जनता के बीच मैं अपने आज के वार्ता क्रम को शुरू करने जा रहा हूं चतुर्भुज दास जी आप कोई से अपरिचित नहीं है सभी जानते हैं कि श्रीमद आचार्य चरण के सेवक ऐसे महानुभाव परम भगवदीय श्री के अलौकिक पुत्र रत्न है। और इनके जन्म के क्रम से ही यू समझो के वार्ता अपने आप को शुरू करती है श्री गोकुलनाथ जी की महत कृपा यथावकाश यथा, यथा आवश्यक अपेक्षित श्री हरिराय जी का भाव प्रकाश ये दोनों महानुभावों ने वरदान के रूप में निरंतर चले आते ऐसे पुष्टि भगवदीय जनों के बीज भाव को और सुदृढ़ करने के लिए उनकी भक्ति का भाव से पोषण करने के लिए और पुष्टि पथ पे अग्रसर होते नवागंतुक वैष्णवों को भी एक सन्मार्ग एक सुपथ दिखाते हुए ये जो वार्ता साहित्य का सृजन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जो संकलन आपने किया है संकलन अर्थ कि ये तो इतिहास है इतिहास का तो संकलन ही हो सकता है इतिहास को लिखने की जो विधा है वो इतिहास को लिखने की विधा भी यही है कि जो सत्य घटनाएं हैं उन सत्य घटनाओं का आ, सही सूत्रों से सारा ब्यौरा इकट्ठा करके और फिर उनको एक जगह पे सुग्रथित करना सुनियोजित करना और उसी क्रम में श्री गोकुलनाथ जी जहां जहां वार्ता को प्रकट करने में थोड़ी त्वरा करके पधारे हैं त्वरा मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाई है यथा आवश्यक एवं अपेक्षित स्थलों पर श्री हरिराय जी ने भाव प्रकाश करके वास्तव में हम सभी पुष्टि मार्गियों का भाव पोषण किया है भक्ति पोषण किया है तो मैं खास ये बात कहना चाहूंगा यद्यपि मैंने थोड़ा देखा तो मतलब बचपन से ही देख रहे हैं लेकिन अभी ध्यान गया क्योंकि पहले हम खुद अपने आप के साथ सत्संग करने के लिए इनका वांचन करते थे आज के दिनों में हम आपके साथ सत्संग करने के लिए इनका वांचन कर रहे हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता में भाव प्रकाश उतना नहीं किया गया है जितना चौरासी वैष्णव की वार्ता में किया गया है चौरासी वैष्णव वार्ता समझो कि कूट से बनी हुई है। उनका आशय अति है, जबकि यहाँ पे पूर्वक ही वार्ताओं के संकलन की व्यवस्था को वैष्णव जनों के लिए सुलभ श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण ने किया है तो श्री गोकुलनाथ जी के इस औदार्य के साथ ज्यादा आवश्यक नहीं है कि हमको भाव प्रकाश प्राप्त हो ये भाव और भक्ति के प्रकाश में ही समझो सारी वार्ताएं प्रकटित हैं क्योंकि ये सब जीव भी जो हैं ये सात्विक सब जीव हैं और श्रीमद आचार्य चरण के जो चौरासी वैष्णव हैं वो निर्गुण हैं ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए और ये जो सत्व रज तम में आने वाले सात्विक राजस तामस ये जो हैं, ये भी कोई और सात्विक प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों से आविष्ट नहीं है अपितु निर्गुण से भगवान निर्गुण जैसे आप सभी को ध्यान हो तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु और शिवादि को भी हम गुणावतार मानते हैं ये केवल गुण के अधिष्ठात्र देवता ही नहीं है अपितु भगवान ही ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा भगवान ही विष्णु के रूप में और भगवान ही रुद्र के रूप में आप स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा भागवत आदि शास्त्र वैष्णव शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं सुबोधनी जी में भी श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि जैसे भगवान के दशावतार होते हैं जैसे भगवान के चतुर्विंश अवतार होते हैं वैसे ब्रह्मा विष्णु शिवादि भी ये कोई प्रकृतिजन्य नहीं है अभी तो भगवान ने ही इनको अपने मानस संकल्प से लीलार्थ, आपने गुणावतारों के रूप में प्रकट किया है तो सत्व गुण के अवतार भगवान विष्णु रजोगुण के अवतार ब्रह्मा और तमोगुण के अवतार भगवान शिव ये तीनों ही भगवान शब्दवाची हैं इन तीनों के आगे ही भगवान लगता है भगवान शिव के आगे भी भगवान लगता ही है ऐसा नहीं है कि शिव के आगे केवल देव या देवाधी देव ही लगता है। भगवान शब्द जो है ये तो हमारे वैष्णव शास्त्रों में महर्षि बादरायण के लिए भी लगता है भगवान वेद व्यास यू ही संबोधन किया जाता है सुखदेव जी भी भगवत रूप ही अपने यहाँ बताए गए हैं आचार्य वपु भी जो हैं वो भगवद रूप ही हैं तो आचार्य आचार्य चैत्य व्यनक्ति इत्यादि भगवद वाक्यों में वेद के आप्त वचनों में गुरु को भी जो भगवद रूपता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म श्री गुरु नमः इत्यादि वाक्य जो बताए गए हैं उनमें भी विशेष करके ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर कृपा तो इस रूप में यदि हम देखें तो हमको साधन दीपिका में प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी की जो ये उक्ति है कि देह द्रोण्या या सुनाम परम पारम भवाम बुदे गुरुणा कर्ण धारेण युत्तार्यः सोपदेशत ये बड़ी बहुत सार्थक लगती हैं मेरे कहने का तात्पर्य आपसे इतना ही था कि सत्व रज तम में आने वाले ये सात्विक भाव राजस भाव और तामस भाव से युक्त ये जो चौरासी 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 अर्थात ये जो 252 वैष्णव हैं ये भी प्रकृति जन्य सत्व रज तम में अंतर्गत नहीं आते जैसे हमको सुबोदिनी जी में सात्विक भाव वाली गोपी राजस भाव वाली गोपी कामस भाव वाली गोपी के रूप में वेणो गीत युगल गीत गोपी गीत आदि में जैसा भगवान वल्लभाचार्य वर्णन करते हैं उस रूप में ही हमको इन भगवत भक्तों को भी देखना चाहिए इनको सात्विक राजस तामस कहने से ये वही सात्विक राजस तामस के सेट में आते हैं जैसे तामस प्रकरण में श्रीम स्कंद का तामस प्रकरण दशम स्कंद का राजस प्रकरण दशम स्कंद का सात्विक प्रकरण तो जैसे हम वो प्रकरण त्रयी को भी सात्विक राजस तामस आदि प्रभेदों से दशम स्कंद में प्रभु की लीला और लीलार्थ प्रकटित भक्तों के रूप में देखते हैं उसी प्रकार से हमको तो इन दो सौ को भी भगवान के ही आ, लीला परिकर के रूप में भगवद अंश के रूप में भगवत सखा के रूप में भगवत सखी के रूप में ही हमको देखना चाहिए चौरासी वैष्णवों से इन महानुभाव वैष्णवों में कहीं भी कोई न्यूनता नहीं है जैसे महाप्रभु जी के अवतार का ही आज के परिपेक्ष में हम कहें तो एडवांस्ड वर्जन चरण श्री गुसाई जी हैं तो जैसे श्री गुसाई जी को हम कभी नहीं कह सकते कि आप महाप्रभु जी से कुछ कम हैं या ज्यादा हैं वो ज्यादा किस अर्थ में बताया जाता है कि जैसे महाप्रभु जी में अः अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्या पुरुषोत्तम शास्त्र में महाप्रभुजी में विरहानल मूर्तिमान आपको अग्नि का प्रधान रूप से स्वरूप शास्त्रों ने विशेष करके बताया है वो भी कौन अग्नितम वर्णितम ते कविपी सदा वस्तुतः कृष्ण एवं वास्तव में तो आप साक्षात कृष्ण ही हैं लेकिन ऋषि मुनियों की दृष्टि जहां तक गई उन्होंने श्री महाप्रभु जी के अवतार को अग्नि रूप तक ही देखा तो जैसे अग्नि रूपता ही श्री महाप्रभु जी में ज्यादा प्रकटित है उसके उसके सामने आप देखोगे तो कृष्ण के साथ सहधर्मिता साधर्म जो है वो श्री गुसाई जी में ज्यादा वार्ता साहित्य में प्रकट होते हैं श्री महाप्रभु जी में कहीं ऐसा नहीं, नहीं होते हैं लेकिन वो मैंने कहा ना जैसे एडवांस्ड वर्जन ऑफ श्री महाप्रभु जी तो वो उस ढंग से हमको देखना चाहिए कि जैसे श्री प्रभु चरण, आप गुसाई जी, गोपीनाथ जी और श्रीमद आचार्य चरण के सम्मिलित स्वरूप के को और प्रकट करने के लिए आप प्रकट हुए हैं वैसे ही चौरासी वैष्णव के ही महात्म्य को और आगे बढ़ाने के लिए ये दो सौ वैष्णवों का प्रादुर्भाव है दो सौ वैष्णव की वार्ता वास्तव में ज्यादा प्राचीन है पहले दो सौ की वार्ता का ही संकलन हुआ था मैं आपको उसका एक कारण बताऊं गोकुलनाथ जी को जितने प्रकट प्रत्यक्ष गुसाई जी के सेवक मिले हैं उतने उन्होंने उनके तात चरण श्री महाप्रभु जी के उतने सेवकों को प्रभु चरण गोकुलनाथ जी ने नहीं देखा है तो गोकुलनाथ जी ने चौरासी वैष्णव के विषय में ज्यादा बातें सुनी हैं और कम लोगों के दर्शन किए हैं जबकि दो सौ बावन वैष्णव के वार्ता में केस पूरा अलग है ज्यादा वैष्णवों को देख पाए हैं मिल पाए हैं उनके साथ आप रह पाए हैं जी पाए हैं ये ये जागतिक जीवन अवतार काल और कुछ लोगों के बारे में ही जो आपने सुना है तो उनको यहाँ पे संकलित किया गया है और आज भी आप देखोगे तो हमारे वैष्णव जगत में हम चौरासी और दो सौ वैष्णव वार्ता ऐसे नहीं बोलते हैं दो सौ चौरासी वैष्णवन की वार्ता हम बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि पहले दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता ही लिखी गई ये ज्यादा प्राचीन है इसलिए आप देखोगे कि ठेठ की ब्रजभाषा चल रही है ठेठ की मतलब जो मूल पुरुषोत्तम भाषा है वो हमको ज्यादा दो सौ बावन वैष्णव देखने को मिलती है और चौरासी वैष्णव की वार्ता में तो उसका यू समझो के ब्रज ब्रजभाषा का भी संस्कृतिकरण किया गया है ज्यादातर संस्कृत के शब्दों को वहां पे रखकर भाषा की शैली को और काव्यात्मक तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन और यो को कि के सिद्धांतों के करीब ले जाने का प्रयास किया गया कि सारे तो संस्कृत साहित्य में देवभाषा में निबद्ध हैं तो वो सिद्धांतों के साथ तुरंत संगति पहले चौरासी वैष्णवन की बैठ सके क्योंकि वो इमीजिएट संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के भक्त हैं तो इसलिए उनकी वार्ताओं में आप देखोगे तो सिद्धांत संगति वार्ता संगति के साथ जल्दी पूरे उस अर्थ में चौरासी वैष्णव की वार्ता को लिखा गया है जबकि दो सौ बावन वैष्णों की वार्ता तो एक कथानक के रूप में ही कही गई है सीधे 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 उसमें अन्य पुराणों की तरह कथाएं हैं कैसे कैसे कह रहा हूं अन्य पुराणों की तरह कथाएं देखो आप इस पक्ष को समझोगे आपको बड़ा आनंद आएगा श्रीमद भागवत जी में आप देखोगे ना तो दो चीजों से श्रीमद भागवत जी बनी हुई है एक है कथा पक्ष एक है स्तुति पक्ष कथा पक्ष जो है वो दृष्टांत है और स्तुति पक्ष जो है वो सिद्धांत है जितने भी भक्तों के द्वारा प्रभु की स्तुति अब द्रुव जी की स्तुति गजेंद्र की स्तुति प्रहलाद जी की स्तुति गोपी जनों के द्वारा गाए हुए गीत आप किसी भी भक्त की स्तुति उठा लो रुद्र गीत आदि उठा लो आप जो भी स्तुति उठाओगे उसमें भगवान का स्वरूप जीव का स्वरूप जगत का स्वरूप माया का स्वरूप माया की निवृत्ति के प्रकार प्रभु के चरणारविंद का महात्म्य प्रभु के लीला गुणानुवाद का महात्म्य सब कहा मिलेगा स्तुतियों में मिलेगा कथा में क्या मिलेगा कथा के पात्रों के चरित्र कथा में तो कथा के पात्रों के चरित्र ही ज्यादा होंगे तो इस अर्थ में आप देखोगे तो स्तुति पक्ष श्रीमद भागवत जी में बड़ा ही बलवान है अन्य पुराणों की अपेक्षा अन्य पुराणों में क्या समस्या है स्तुति जो है वो सामान्य स्तुति है एकदम निगूढ़ पद्यों में रचित ऐसी स्तुति नहीं है जैसी श्रीमद् भागवत जी में हमको मिलती है इसलिए भागवत जी की अपने आप में भाषा की दृष्टि से भी उत्कृष्टता बढ़ जाती है तीन भाषाएं हैं भागवत जी में लौकिक परमत और समाधि तो भागवत जी की भाषा जो है वैसी जो भाषा है वो चौरासी वैष्णव की वार्ता की भाषा है और दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता जो है वो विष्णु पुराण पद्म पुराण अन्य जो वैष्णव पुराण है उनकी भाषा कैसी है वैसी 252 वैष्णों की वार्ता की भाषा है तो ये थोड़ा बहुत हमको भेद देखने को मिलेगा लेकिन ये भेद जो है ये भाषा साहित्य की ग्रंथ रचना की निबद्धता का ही है बाकी जितनी यूं कहो कि वास्तविकताओं की नोंद हमको 252 वैष्णों की वार्ता में मिलेगी वैसी 84 वैष्णों में तो जो अनुश्रुति लोकश्रुति जनश्रुति जिस अर्थ में भी कहो जितनी आप अब उस समय के तत्कालीन वैष्णवों से श्री गोकुलनाथ जी आप प्राप्त कर पाए उनको आपने प्रकट किया और जितनी वस्तुओं को आपने प्रकट किया उन सभी के ऊपर जी ने भाव प्रकाश किया अब आप एक वस्तु को समझो एक बड़ी आनंद की वस्तु आपने देखी होगी कि बहुत सारे वैष्णवन के नाम ही नहीं जैसे एक वैष्णव सिंह को एक वैष्णव आगरा को एक वैष्णव फलाना एक वैष्णव ढिकाना बहुत वैष्णवों के नाम नहीं अरे आप विचार करो कभी कि जिन लोगों के तीन-तीन जन्म का इतिहास पता है जिनके तीन-तीन जन्म की स्थिति परिस्थिति वस्तुस्थिति जिन आचार्यों को पता है क्या उनको उनका लौकिक नाम नहीं पता होगा निश्चित पता था लेकिन क्या था पहले पहले जमाने में लोगों के जो नाम होते थे बड़े कहीं कभी-कभी ऐसे जैसे किसी का नाम हकीरा मगन्या, भोगी जोगी अब ऐसे सब जो हीन कोटि के नाम होते थे कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता था तो वैष्णवों को वैसे नाम से संबोधन प्रभुचरण ने मतलब श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण ने नहीं किया वहां पे उनके नामों में ऐसा मतलब अर्थ निकले के, कितना लौकिक भाषा में कैसा नाम है तो उसकी जगह आपने वही एक व्यवस्था रखी एक वैष्णव यहाँ को एक वैष्णव वहां को एक छत्राणी यहाँ की एक छत्राणी वहां की अब किसी का नाम भिकी बाई किसी का मिठी बाई किसी का चिक्की बाई कुछ भी नाम रहा हो अपन को उसके अपन उसका क्या करें और वैष्णव का नाम कैसा होना चाहिए भगवान दास कृष्ण दास पुरुषोत्तम दास बादरायण दास ये दास वो दास तो समझ में आ गया हाँ वैष्णव है पर किसी का नाम वो भोगीलाल अब भोगीलाल भाई की वार्ता भोगीलाल भाई की कोई वार्ता हो है? अरे अपन सभी भोगीलाल है भोग नहीं आए हैं भोग ही रहे अपने कर्मन के भोग तो कहने का तात्पर्य वहां पे वो नाम को गौण कर दिया गया है और फिर लीला में तो भाई ये कौन की सखी है कौन ते प्रगति है कौन के भाव रूप है ये सब बताया गया है तो क्या नाम नहीं बता सकते थे नाम भी बता सकते थे पर कुछ कारणवशात वहां पे उन लौकिक नामों का प्रयोग नहीं किया गया है यो विचार के चलना चाहिए कि किसी वैष्णव के नाम के प्रति अपन को हीन भाव ना आए भैया नाम रूप तो सब प्रभु के ही है और नाम रूपात्मक जगत में कोई हीन नहीं कोई तुच्छ नहीं कोई ऐसा गौण नहीं पर फिर भी अपन को जो अच्छे नाम सुनने को मिले तो अपन कहवा वाह वाह बहुत सुंदर नाम रखा है और अभी अपन जो नाम सुनते हैं आयान विहान फलान, ढेकान, ये सब एक कोई नाम के अर्थ बनते हैं और झूठ बोलते हैं विष्णु आके हमको ये कृष्ण का नाम है ये विष्णु का नाम है ये हमने गूगल पे देखा अरे धर्मकोशों में नाम नहीं शब्दकोशों में नाम नहीं व्याकरण के कोश में वो शब्द बनता नहीं गूगल आचार्य जी बता रहे हैं लोगों को कि क्या नाम रखने बच्चों के छिया ठिया घिया मिया पिया क्या क्या छोरियों के नाम होते हैं हमको तो सुन के भी बहुत धिकृति आती है कि ये चार चार पीढ़ी बात तो पता भी नहीं चलेगा इनके माता पिता रोमन थे ग्रीक थे फ्रेंच थे जर्मन थे कहा के मतलब वर्णशंकर और अंत्यजों की संताने हैं क्यों सही ढंग के नाम अपने राशि पे भारतीय पर, परंपरा के भारतीय पद्धति के अपन नहीं रख पा रहे हैं ये एक बहुत विचारणीय पक्ष है कि बस कुछ नया करने की जो होड़ समाज में चली हुई है मैं यहाँ क्या है बहुत सारे ऐसे मेरे प्रिय जन बैठे हैं कि जिनके बच्चों के वैसे वैसे ही सबके नाम है और उनके नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है क्योंकि वो भारतीय मूल के तो लगते ही नहीं बिचारे सनातन धर्मावलंबी तो छोड़ दो भारतीय मूल हिंदू मतलब हिमालय से लेकर हिंदू सागर के बीच के वो नाम नहीं प्रतीत होते तो हमको बड़ा दुख होता है कि इतनी गौरवशाली हमारी सनातन धर्म की भारतीय परंपरा उसके नाम नहीं रख के और ये लोग सब कहां, कहां से नाम ले आते हैं अरे गोपाल सहस्त्र नाम में से नाम ले लो विष्णु सहस्त्र नाम में से ले लो राधिका सहस्त्र नाम में से ले लो यमुना सहस्त्र नाम में से ले लो नामों की कहा कमी है सहस्त्र नाम धारी अपने जी और जी पर नहीं ये इनके नाम नहीं रखेंगे जिनके कोई अर्थ ही नहीं बदलते और जीवन में उस नाम का ऐसा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ता है बच्चों के विचारों के का जीवन भी फिर बिना कोई अर्थ का ही चला जाता है जैसा उनका नाम वैसा ही उनका जीवन प्राचीन नाम देखो प्राचीन नाम का कितना प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता था तो उस उस पद्धति को ध्यान में रखते हुए जहां जहां पे ऐसा लगा कि ये नाम बताने पर भी कोई खास किसी को नहीं होगी भक्तिभाव में तो वहां उस वैष्णव के नाम को श्री गोकुलनाथ जी ने हर्रा जी ने भी गुप्त करके केवल स्थान का और व्यक्ति का और जाति और वर्ण का ही आपने वहां पे प्रकार रखा सो ये खास मैं वार्ता जी में प्रवेश करने के पहले बताना चाहूंगा यहां देखो एक, एक स्थान में, तहां हो जो वैष्णवन के नाम क्यों नहीं कहे तहां कहते हैं जो चौरासी वैष्णवन के वार्तान में कहूं वैष्णव को नाम नहीं कहे हैं सो हीन नाम वैष्णव के गोकुलनाथ जी नहीं कहते जो वैष्णव के नाम घसीटा फकारा मगन्या ऐसे हीन नाम हो गोकुलनाथ जी वैष्णव कहीं बुलावते वैष्णवन के नाम जान बुझ कर नहीं कहे सो so, ये ये प्रकार से अपनी पद्धति रखी गई है इसलिए जहां जिन वैष्णवों का नाम हमको नहीं प्रका पता चले वहां केवल उनके अलौकिक स्वरूप से लीला के संबंध से ही उनके जाति वर्ण धर्म का नाम जानना चाहिए श्री महाप्रभु जी के अति प्रिय चौरासी भक्त श्री राधा गोकुलनाथ जी कहे सबन के नाम वर्णी सबन की वार्ता जाती जात अरु नाम ज्ञाति जात अरु नाम तामे कछु संदेह रहे लीला में को रूप सो श्री हरिराई जी कहे प्रकट स्वरूप ये प्रकार से अपने वार्ता जी के क्रम को देखना चाहिए मैं पुनः एक बार पुनरोक्ति करते हुए भी ये कहना चाहूंगा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते धर्म अर्थ काम और मोक्ष अपन को मुझको और आपको चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध कराने वाले ये चतुर्विध पुरुषार्थ के प्रदायक धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते हम उस इतिहास को देखने जा रहे हैं जो पूर्व में घटना घटी है इतिहास का ये बहुत बड़ा प्राबल्य है कि जो जैसी स्थिति में होता है वो इति आस वो जैसा है वैसा ही हमको प्राप्त हो रहा है तो उसका हमको बड़ा आनंद मानना चाहिए आचार्यों की कृपा माननी चाहिए कि हम आज इन दिव्य अलौकिक आनंददायिनी इन वार्ताओं को हम देख पा रहे हैं और पुराणवत कृष्ण कथा अमृतवत हम इनको धारण कर पा रहे हैं तो इनके अंदर आद्रत भाव हमारा कहीं भी श्रीमद्भागवत आदि वैष्णव शास्त्रों से कम हमारा नहीं होना चाहिए मैं पुनः लोगों को कहना चाहूंगा हमने चार सखा की वार्ता वल्लभ पुराण में से पढ़ी आज हम विठल पुराण में से हम चार अष्ट सखान में के एक ऐसे हमारे भक्त कवि की वार्ता में प्रवेश करने जा रहे हैं आइए श्री गुसाई जी परम दयाल की जय अब श्री गुसाई जी के सेवक चतुर्भुजदास कुमन दास जी के बेटा अष्टछाप में जिनके पद गायत हैं तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं भाव ये चतुर्भुजदास लीला में श्री ठाकुर जी के विशाल सखा को प्रागट्य है सो दिवस की लीला में तो ये विशाल सखा है और रात्रि की लीला में ये विमला नाम की सखी है ये ललिता जी ते प्रगति हैं ताते उनके तामस भाव रूप है वार्ता प्रसंग एक सो ये चतुर्भुजदास जमुनावता में कुमंदास जी के यहां जन्मे सो so, कुमनदास जी के प्रथम पांच बेटा होते तीन को मन लौकिक में बहुत आसक्त देखी के कुम्भन जी के मन में बहुत ही दुख भयो और मन में विचारे जो मेरे को ऐसो पुत्र ना भयो जाते हो अपने मन को भेद कहो पाचे कुम्भन जी ने पांचों बेटान को न्यारे कर दिए और कुम्भन जी की श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवक हती और एक बेटी सौ परम भगवती ये बेटी मतलब भतीजी सो वह बेटी हूँ आचार्य जी महाप्रभुन की सेवक हती ब्याह होते ही आपो पुरुष तो मरी गयो होतो ताके वह बेटी हूँ भतीजी कुम्बनदास जी के घर रहती सो तीनों जने जमुनावता गांव में रहते तापाचे एक बेटा कुम्बनदास जी के और भयो ताको नाम कुम्बनदास जी ने कृष्णदास धरयो सो कृष्णदास बड़े भये तब शिननाथ जी की गायन की सेवा करते और कीर्तन कोई ना आते सो so, कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी की गाय बचाई और आप नाहर के सन्मुख हो सब वार्ता हमने कुम्भन दास जी के चरित्र में देखी थी इसलिए अभी बहुत इसको नहीं समझा रहे हैं सो so, उनकी वार्ता में प्रसिद्ध है पर कुमन दास जी के मन में यह मनोरथ जो कोई ऐसा पुत्र न भयो जासो मैं अपने मन को भाव सब कहो और सब भगवत वार्ता करो भनदास जी उदास रहते ता ता एक दिन श्री गोर्धन नाथ जी ने परासोली में दास से पूछी जो कुंभना तो उदास क्यों है तब ने कही महाराज सत्संग नहीं है फिर श्री गोर्धन नाथ जी ने मुस्काये कहो कि जो अरे कुंभना सत्संग को फल जो मैं तो तेरे पाछे पाछे डोलत हूं तोहु तो को तो सत्संग की चाहना है तब कुम्भन दास ने कही जो महाराज भगवदीयन के संग बिना जीव आपके स्वरूप आनंद को कैसे जाने आपके स्वरूप में रहो जो आनंद तो भगवदीय ही जानत है। और जानत नहीं और कोई जानत नहीं ताते भगवदीय के संग बिना आपके स्वरूप में मन उर्जत नहीं तब श्री गोर्धन नाथ जी ने हसी के आज्ञा करी जो को मना तू धन्य है जा मैंने तो को सत्संग के लिए भगवदीय पुत्र दियो ऐसा तो वरदान दिए गोर्धनधर तो कुम्भन दास जी यह विचारी के उदास रहते जो कब पुत्र होएगो होएगो कब तो बड़ो और न जाने वो कौन से भाव में मगन रहेगो ऐसे करत करत पुत्र हो के रहे कुम्भन दास जी की स्त्री को फिर गर्भस्थिति भाई सो एक दिन श्री गोर्धन नाथ जी ने आय के श्री कुंभन दास जी से तो कही जो कुम्भन दास तू मेरे संग चल तब कुम्भन दास गोर्धन नाथ जी के संग चले सो so, एक ब्रज भक्त के घर में श्रीनाथ जी पधारे ये ब्रज भक्त दही माखन की मथनिया दो ऊंचे छीका पे दरी के आप कछु कार्य को गई हती सो so, ताही समय गोर्धन नाथ जी तहा आय के आप एक हाथ से दही की मथनिया लई तभी गोर्धन नाथ जी को पीतांबर खुली गयो सो so, भूमि में गिरन लागो सो so, श्री गोर्धन नाथ जी ने आप तत्काल दो भुजा और नीचे प्रकट करी के पीताम्बर थाम्यो और दो भुजान में माखन दही की मथनिया लही रहे ता समय चतुर्भुज स्वरूप को कुमन जी को दर्शन भयो प्रभु गोवर्धन ने दो हाथ से तो छीका पे मथनी उतारी और मथनी उतारने के लिए आपने थोड़ा उद्यम किया तो आपका पीतांबर सरकने लगा पीतांबर मतलब कटी पे जो आड़बंद पिछोड़ा धोती उपरना जो आपने वादिना धर हो तो सो सरकन लाग्यो सो वाय पकड़वे के लिए धन धर ने दो भुजा और प्रकट करी क्रिया विशिष्ट स्वरूप आप जब दर्शन देते हैं, तब चतुर रूप से दर्शन देते देते हैं हैं तब चतुर्भुज चतुर्भुज रूप से स्वरूप द्विभुज स्वरूप तारतम्य निर्णय ये शरीराय जी का स्वतंत्र ग्रंथ है किसी दिन शरीराय जी कृपा करेंगे तो हम उसका भी सत्संग करेंगे कि द्विभुज स्वरूपों में और चतुर्भुज स्वरूपों में क्या तारतम्य और क्या तादात्म्य है वास्तव में, में लीला भगवान के ये द्विभुज चतुर्भुज आदि दोनों ही स्वरूप पुष्टि संप्रदाय में अंगीकृत हैं इसीलिए अपने यहाँ निधि स्वरूपों में भी श्रीमन मथुराधीश जी श्री द्वारकाधीश जी स्वयं श्री गोकुलनाथ जी श्री कल्याण राय जी प्रभृति अपने यहाँ सब ठाकुर जी ब्रजस्त कृष्ण ही माने गए हैं मथुराधीश द्वारकाधीश भी मथुरा लीला एवं केवल द्वारका लीला प्रधान अपने यहाँ नहीं लिए गए हैं सो ऐसे क्रिया विशिष्ट चतुर्भुज का दर्शन यहां जी को गोवर्धनधर ने कृपा करके दिया और इस वार्ता से हमने ये जाना कि प्रभु माखन चोरी आदि बाल लीला प्रधान लीला में भी अपनी चतुर्भुज रूपता को आप प्रकट करते हैं केवल ऐसा नहीं है कि स्वामिनी वल्लभ स्वरूप से या केवल गोपीजन वल्लभ स्वरूप से ही भगवान आप चतुर्भुज रूप धारण करते हैं प्रभु का चतुर्भुज रूप अंतरों में कुबर और मणिग्रीव को दर्शन देने के लिए अर्थात यमलार्जुन उद्धार के समय पे भी पुराणांतरों में वर्णित हुआ है क्योंकि कुबर मणिग्रीव को यमला अर्जुन उन वृक्षों को जब नारद जी ने धनदात, धनदात म जाऊ जब ये कुबेर के दोनों पुत्रों को आपने श्राप दिया नारद जी ने और इनको जब अर्जुन वृक्ष किए नंदराई जी के आंगन के तो जिस समय भगवान ने उखल बंधन लीला के मिस इन दोनों वृक्षों का उद्धार करके मणिग्रीव को श्राप मुक्त किए तब जी का वचन स्मरण करके इनको संदेह हुआ कि ये भगवान तो जो बताया गया था हमको नारद जी के द्वारा कि सारस्वत कल्प में प्रभु जब अवतरित होंगे और नंदराई जी के आत्मज के रूप में जब आप प्रगटेंगे भगवान साक्षात तब हमारा उद्धार होगा तो ये जो बालक उखल से बंधा हुआ जानुरिंगण करता हुआ हमारे वृक्षों के विध्वंस में कारण बना है और हम जो श्राप मुक्ताज हुए हैं तो ये बालक कौन है क्या ये बालक वही है कि जो परात पर ब्रह्म नारद जी ने हमको बताया था कि हमारा उद्धार करेंगे जब ऐसा संदेह हुआ तो शंघ चक्र गदा पद्म धर के दामोदर लीला के स्वरूप को सार्थक करते हुए श्री दामोदर भगवान ने उनको दर्शन दिए इसी कारण से आप देखो चौरासी वैष्णव समराई की वार्ता आती है गोरजा समराई की वार्ता में वर्णित श्री दामोदर जी का जो स्वरूप है वो बाल लीला प्रधान दामोदर लीला जानुरिंगण लीला के समय की ये दामोदर लीला जो समय पे श्री यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांध दिए तो यशोदा जी के द्वारा दामोदरो भक्ति ऐसे भक्ति के वश में माता को परिश्रमित व्यथित थकित देखकर जो प्रभु बाल लीला विनोदी भगवान आप स्वयं उखल से बंध गए रस्सी से दाम से बंध गए दामना चोलुखले बद्ध जो आप स्वयं हो गए वो भगवान ने भी चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म युक्त होकर दर्शन दिया और इसी कारण से देखो अपने यहां महाप्रभु जी के सेव्य गोरजा समराई के सेव्य दामोदर जी हाल जूनागढ़ में विराजमान वो भी चतुर्भुद स्वरूप है वो बाल लीला के कोई लालन स्वरूप या नवनीत प्रिया जी का स्वरूप नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि के केवल गोपीजनों के साथ विहार के क्रम में या आंख मिचौनी लेला में या निवृत्त निकुंज आदि में अः पुष्प अस्तरण आदि करने के लिए ही भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया हो बाल लीला विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए भी अपनी अति विलक्षणता को प्रकट करते हुए क्रिया विशिष्ट चतुर्भुज रूप को धारण प्रभु बाल लीला के क्रम में भी आप करते हैं जैसे गोवर्धन लीला में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु ने जब गोवर्धन का उद्धरण किया तो दो हाथ से वेणुजी का नाद और एक हाथ से गोवर्धन को धारण और एक श्रीहस्त में शंख से बरसे हुए जल का शोषण ये चारों हाथों से भगवान ने चार भुजा धारण करके अपना चतुर्विध क्रिया विशिष्ट स्वरूप आपने प्रकट किया है तो ये वार्ता में भी कुभन दास जी के और चतुर्भुज दास जी के अवतार क्रम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे गोवर्धन धर ही आप द्विभुज से चतुर्भुज रूप में आप आ जाते हैं मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हम जब जब मथुराधीश की द्वारकाधीश प्रभु की लीला भावना पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि श्री स्वामी जी के संग की जितनी भी विहार लीलाएं हैं उन्हीं में भगवान शंख चक्र गदा पद्म ये सखी रूप आप धारण करके और आप पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में साक्षात्कार होते हैं पर ऐसा नहीं है बाल लीला का सन्निधान भी हमको चतुर्भुज रूप में प्राप्त हो सकता है ये इस वार्ता से हमको दर्शन करने को मिलता है इसलिए चतुर्भुज स्वरूपों में भी टोपी के श्रृंगार पर्धनी के श्रृंगार टोपा के श्रृंगार इत्यादि बाल ला प्रधान श्रृंगारों का भी ग्रहण और वर्णन किया जाता है वो परंपराएं प्रणालिकाएं गलत नहीं है वो इन्हीं सब वार्ताओं के आधार पर वो प्रणालिकाएं बनी है मैंने कल भी आपसे कहा था वार्ता जियों से प्रणालिकाएं बनी हुई हैं प्रणालिकाओं से वार्ता जी नहीं बनी हुई हैं जो इतिहास में घटित हुआ है उनका संकलन सेवा क्रम सेवा प्रकार और सेवा भावना के रूप में आचार्यों के अनुग्रह से पूर्वाचार्यों ने किया है तो इस चीज को यहाँ भी हम देख सकते हैं कि तब श्री गोर्धन नाथ जी को पीतांबर खुली गयो सो भूमि में गिरन लागो सो श्री गोर्धन नाथ जी ने आप तत्काल दो भुजा और नीचे प्रकट करी के पीतांबर थाम्यो और दो भुजा में माखन दही की मथनिया लिए रहे ता समय चतुर्भुत स्वरूप को कुमान जी को दर्शन भयो ता पाछे गोर्धन जी तो सखान सहित दूध दही माखन सब आरोग्य बच्चों सो वंचरन को ख़वाई दियो ताही समय वह गोपी का अपने घर में दौरी आई सुहा दिखे तो दही माखन श्री ठाकुर जी अरोगत हैं तब वह गोपिका ठाकुर जी को पकड़वे को दौरी तब सखा तो सब भाजी गए तब कुमन जी और गोर्धन जी ठाड़ी रह गए सो जब वह गोपिका निकट आई तब श्री गोर्धन जी अपने श्री मुख में दूध भरी के वह गोपिका के मुख के ऊपर डारो सो या प्रकार वा गोभीका के मुख ऊपर डारे तो वा के सगरे मुख नेत्रन में दूध भरी गयो सो वह ठाड़ी होइ रही तब कुम्बनदास जी और श्री गोर्धननाथ जी वाते भाजे सो श्री गोर्धननाथ जी आप तो अपने मंदिर में पधारे और कुम्बनदास जी जमनावता गांव में अपने घर गए तास में मार्ग जात में जात-जात यह पद कुम्बनदास जी ने गायो आनी पाए हो हरी नीके चोरी चोरी दधि माखन खायो गिरधर दिन प्रतिही के प्रतिही के रोक्यो भवन द्वार नूपुर मोर अचानक ही के अब कैसे घर अपने भाजन फोरी दूध दही पी के कुमन दास प्रभु बले परे फंद जानन दे हो भावते जी के भरी गंडूस छीट दे नैनन में गिरधर धाय चले दे की के आनी पाए हो हरी नीके ये पद गाते हुए कुंभन जी अपने घर को चले इस लीला का ही स्मरण करते हुए कुंभन जी घर पहुंचे यह कीर्तन चतुर्भुज स्वरूप जी कर दर्शन भयो हो तो सो कुम्भन जी ताके भाव में सो भरे अपने आप घर आए ताही समय कुम्भन की स्त्री को बेटा भयो सो सुनी के कुम्भन ने कहो जो या लड़िका को नाम चतुर्भुज दास पाछे उत्थापन के जी के के समय पास आए ने दंडवत कियो गुसाई जी मुस्काए के कुमनदास जी सो पूछे जो चतुर्भुज दास आछे हैं तब कुमनदास ने विनती करी जो महाराज जाके ऊपर आप ऐसी कृपा करत हो सो तो सदा ही आछे हैं मतलब नाम धरा वहां बेटा हुआ वहां यहाँ गुसाई जी को स्वयं हो गई और अंत करण में भाव आ गया कि पुत्र हुआ कुम्भन जी को श्री गोर्धन नाथ जी के वरदान रूप और उसका नाम चतुर्भुज दास रखा गया है सो आते ही कुम्भन जी को बधाई देते हुए पूछा कि जो जो, जो चतुर्भुज दास आचे हैं तो कई जाके ऊपर आपके ऐसी कृपा होते हैं सो तो सदा आछे ही है तब गुसाई जी कहे, जो या पुत्र सो तुमको बहुत ही सुख होए। एक और आशीर्वाद गुसाई जी ने दिया कि या पुत्र से तुमको बहुत ही सुख हो सो तुम्हारे मन में जैसो मनोरथ हतो, ताही ता भांति सो तुम्हारे मनोरथ सब सिद्ध भये हैं पिंडरू हो चुक्यो तब कुमन जी आचे शुद्धि हो पुत्र को स्नान करायो और को अपनी गोद में ले श्री गुसाई जी को आए कुम्बन जी ने दंडवत करी दिन तो को और श्री गुसाई जी को दंडवत करने आप आए ही पुत्र जन्म का आनंद सुनते ही पुत्र का प्रथम दिन ही नामकरण करते ही और उसके बाद जब पिंडरू पूरा हुआ तो पिंडरू की निवृत्ति के बाद उनको भी स्नान कराए के और आप यहाँ पे श्री गुसाई जी को बच्चा को और स्वयं दंडवत कराने और दंडवत प्रणाम करने यहाँ पे आप आए सो गुसाई जी को आए के कुम्भन जी ने दंडवत करी पांचे चतुर्भुज दास को मस्तक श्री गुसाई जी के चरण कमल सो स्पर्श कराए के कुम्भन जी ने बिंदी करी मुझो महाराज कृपा करी के चतुर्भुज दास को नाम सुनाई तब गुसाई जी आप के कहे जो सरे नाम निवेदन दो ही संग देखो तो कैसी कृपा है कि नाम और निवेदन या नाम निवेदन एक नहीं नाम और आत्म निवेदन मतलब ब्रह्म संबंध दोनों संग ही करावेंगे जन्म ते बच्चा को अभी तो बच्चा का बस पिंडरू उतरा है जच्चा का तो उतरा भी नहीं केवल बच्चा शुद्ध हुआ है तो बच्चे को आप मंगल स्नान करा के और उसको शुद्ध करके गुसाई जी को दंडवत कराने आए और गुसाई जी के श्री मस्तक पे उनका मतलब गुसाई जी के चरणार में बालक का मस्तक जब स्पर्श कराया तो श्री गुसाई जी ने पुनः प्रसन्न होकर आज्ञा करी कि इनका नाम तथा आत्मनिवेदन दोनों संग करावेंगे यह सुनी के चतुर्भुष दास दाही समय किलक किलक के हसे छोटे से बच्चा तो छोटे से चतुर्भुज दास नवजात शिशु ये बहुत किलक किलक के मतलब जैसे बच्चा नींद मन में हंसता है और जो हंसता है तो उसकी हंसी को भी किलकारी कहते हैं दो ही समय पे किलक किलक के किलकारी शब्द का प्रयोग होता है एक बंदर बोले तो बंदर की भी वाणी को मरकट की जो वाणी होती है उसको भी किलकारी कहते हैं और एक जो छोटा सा बच्चा जिसने भी बोलना नहीं सीखा हो जब अपना हास्य और अपने जब आनंद को बच्चा व्यक्त करता है तो उसको भी किलक किलक के बोलना अथवा किलकारी शब्द से संबोधन देते हैं तो यहाँ ये बड़े चतुर्भुज दास नवजात शिशु भी बहुत किलक किलक, किलक के हसे तब कुदास जी मन में बहुत प्रसन्न भय पाचे राजभोग सराई बे को समय भयो तब माला बोली तब श्री गुसाई जी ने भीतरियान को आज्ञा दीनी जो तुम बाहर जाओ तब सब भीतरिया, सब बाहर जाए बैठे धननाथ जी और कुम्भन जी रहे ता समय गुसाई जी चतुर्भुज दास को नाम सुनायो पाचे तुलसी लेके कुमन दास कहे जो चतुर्भुज दास को आगे लाओ सो गोर्धन जी के सन्मुख चतुर्भुज दास को ब्रह्म संबंध करायो तुलसी श्री गोर्धन नाथ जी के चरण कमल पर समर्पे सो समय सगरी लीला की स्फूर्ति चतुर्भुज दास को और गुसाई जी को स्वरूप हृदय समय चतुर्भुज दास ने यह कीर्तन गायो आप आनंद देखो इस वार्ता का के गोर्धन नाथ जी के चरण कमल में तुलसी जी समर्पी ब्रह्म संबंध हुआ श्री गुसाई जी की कृपा से और वही समय सगरी लीला जो स्पुरी तो लीला स्पुरी गोवर्धन धर की नित्य लीला और स्वरूप हृदयारूढ़ किसका हो रहा है श्री गोसाई जी का श्रीनाथ जी का नहीं गुसाई जी का स्वरूप हृदयारूढ़ हो रहा है कैसा तादात में देखो वार्ता में भी क्या श्री गुसाई जी में और गोरधननाथ जी में अभेद बताया है कि भेद है ही नहीं उनको लीला तो सगरी श्री ठाकुर जी की हो रही है हृदय में श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्व भक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा महाप्रभु जी वो मंगलाचरण करते हैं भागवतार्थ प्रकरण का और वहां पे वो ढंका जब स्फुर हो रहा है तो श्री कृष्णानुग्रही तय प्रार्थनीय पदाम नाम रत्नाख्य में छल्ला नाम आता है श्री कृष्णानुग्रही ते का प्रार्थनीय पदाम जिनके ऊपर कृष्ण का अनुग्रह हुआ है ऐसे भक्तों के द्वारा जिनके चरणारविंद प्रार्थनीय है ऐसे हमारे श्री गुसाई जी हैं तो देखो क्षीनाथ जी का अनुग्रह हुआ और शिणाथ जी का अनुग्रह होने से श्रीनाथ जी के लीला का स्पुरन होने से स्वरूप किसका हृदयारूढ़ हुआ प्रभु चरण श्री गुसाई जी का हुआ सो so, यह कीर्तन गायो सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार ये ये कीर्तन कौन गा रहा है चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं मतलब हमारे अम, ये ये तो कितने छोटे हैं पंद्रह सोलह दिन के बच्चा हैं ये बराबर और उसमें भी आप देखोगे तो इतने छोटे से बच्चा को जिसको अभी दांत भी नहीं आए हैं जिसको वाणी भी नहीं खुली है उसको नाम निवेदन भी हो गया आत्मनिवेदन भी हो गया ब्रह्म संबंधान उनको सगरी लीला का स्फुर भी हो गया और उनको श्री जी का स्वरूप भी स्थिर हो गया हृदय में और अब वो जो वाणी प्रकट हो रही है वो परावाणी कैसी वेदवत श्री चतुर्भुज दास जी आप गा रहे हैं आप देखो ठाकुर जी के सखा हैं ठाकुर जी की सखी हैं ललिता जी के भाव प्रगति तो ये कैसी हैं तो कह रहे हैं सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार दर्शन हीते होत प्रसन्न मन श्री पुरुषोत्तम लीला अवतार सुदृष्टि चिते सिद्धांत बतायो सुदृष्टि चिते सिद्धांत बतायो लीला एक अनुसार आन ज्ञान को धावत भूले कुमति विचार जाके कहे गही भुज दृढ़ करी श्री गिरिधर नंद दुलार चतुर्भुज प्रभु उद्धरे पतित श्री विठल कृपा उदार सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार ये श्री महाप्रभु जी के राजकुमार आत्मज ऐसे जो हैं ये सेवक की सुख राशि है ये सेवक को सुख देने के लिए आप पधारे हैं सो यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो सो श्रीकेश जी गुसाई जी बहुत प्रसन्न भए और कुम्बनदास जी उ प्रसन्न भए अपने मन में आनंद पाए और कहे जो मोको जैसो मनोरथ हो तो वैसे ही भगवदीय को संग मिलयो ये गोर्धननाथ जी की कृपा का फल है तो श्री गोर्धननाथ जी का ही वरदान है कि जैसो मनोरथ तो तैसे ही भगवदीय को संग मिलो वैसो ही बेटा मिलियो नहीं बेटा तो पांच पांच बेकार बेटे हैं जिनको न्यारे कर दिए हैं यहाँ बेटा को लेके प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ये बेटा कौन है पुत्रे कृष्ण प्रिय रति पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ये तो बिल्कुल निरोध लक्षण में महाप्रभु जी के द्वारा वर्णित जो अवस्था और दशा है यहाँ पे वही हमको देखने को मिल रही है सो ता मंदिर के किवाड़ खुले सब लोगन को दर्शन भय पाचे श्री गुसाई जी श्री गोर्धन नाथ जी की आरती उतारी के गोर्धन नाथ जी के अनुसरण करवाए और माला बीड़ा लेके गुसाई जी पर्वत नीचे उतरे अपनी बैठक में पधारे कहा सब वैष्णव आए कहा कुमन दास जी हो चतुर्भुज दास को लेके आए गोद में लेके आए तब सबन के आगे चतुर्भुज दास मुग्ध बालक हो चुप करी रहे तब तो बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा जैसे होता है वैसे ही मुक्त बालक की तरह जिसको कुछ नहीं पता चल रही है जिसके नेत्र भी अभी स्थिर नहीं हुए हैं वाणी का तो क्या कहना जिसका अभी गर्दन भी जिसकी स्थिर नहीं हुई है बच्चे की ऐसे बच्चे की तरह मुक्त बालक रूप होय के चुप करी रहे तापाचे गुसाई जी सब वैष्णव उनको विदा किए पाचे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे तापाचे गुसाई जी आप कृपा करी के अपने श्री हस्तसों सो कुमन दास को अपनी झूठन की पात्री धरी अपनो अधरा दिए सो उन दो जने ने महाप्रसाद लियो ध्यान दे ये बच्चे को भी दांत भी नहीं है ये महाप्रसाद ले रहा है ये बच्चा श्री गुसाई जी की पात्री में से जुटन पात्री में से अधरामृत ले रहा है ये चतुर्भुज दास है ये अलौकिकता बताने के लिए ही वार्ता ये सब प्रकृत प्रसंगों को भी लेते हैं कि देखो इतना छोटा सा बच्चा है जो अभी तो केवल माता के दुग्ध पर रहना चाहिए वो यहाँ पे कोमन जी के साथ बैठ के प्रसाद ले रहा है अन्य अन्य प्राशन भी जिस बालक का भी नहीं हुआ उनको श्री गुसाई जी आप पातर करी के दे रहे हैं और वो प्रसाद ले रहे हैं इससे बड़ी अलौकिकता हम क्या वार्ता में ढूंढेंगे आप बताओ सो so, पांचे गुसाई जी आप गद्दी ऊपर बिराजे सो so, आप बीड़ा आरोगत थे तब कुम्बनदास जी चतुर्बुद्धदास आचमन करी के गुसाई जी के पास आए तब गुसाई जी कृपा करी के दो को न्यारो न्यारो उगार दिए सो so, कुम्बनदास चतुर्बुजदास ने लियो ता पांचे गुसाई जी विश्राम करण को पधारे मतलब आप देखो के उन्होंने दोनों उनको अपने हाथ से अपने प्रसादी बीरा भी दिए दिए और उगार मतलब उनको अलग अलग समाधान किए मतलब इनको भी समाधान श्री गुसाई जी, ने गादी पे बिराज के कियो। गुसाई जी आप विश्राम करण को पधारे तब कुमन दास जी चतुर्भुज दास को गोद में लेके श्री गुसाई जी को दंडवत करी के जमना होता गाम अपने घर में आए सो जब एकांत में कुम्भन दास जी बैठे हुई तब चतुर्भुज दास गोर्धन नाथ जी की वार्ता लीला को भाव और आचार्य जी श्री गुसाई जी की वार्ता करें तब दो जने परस्पर आनंद को पावे और जब कोतुर्भुजदास तो बालक की नहीं मुग्ध हो रहे और जा दिन ते चतुर्भुजदास नाम समर्पण पाए ते गोर्धन नाथ जी के दर्शन किए बिना चतुर्भुजदास दूध हु नहीं पीवते ऐसे करत करत बरस पांच के भय सो चतुर्भुज दास नेम सो दर्शन करते और वे चतुर्भुज दास ऐसे भगवदीय थे सो जब एकांत में पिता के साथ रहते तो अलौकिक प्राचीन वार्ता को आप सत्संग करते प्राचीन वार्ता मतलब लीला संबंधी वार्ता गोर्धन जी के चरित्र श्रीमद आचार्य जी के चरित्र श्री गुसाई जी के चरित्र इनको परस्पर सत्संग करते और तीसरो कोई वाह कक्ष में आ जाए तो पुनः आप मुग्ध बालक की नाई बिल्कुल इन्फेंट जिसको कहते हैं ना इन्फेंट चाइल्ड की तरह आप वर्तन करने लग जाते तो ये प्रकार से और आप नित्य श्री धर के दर्शन करने को जाते पहले पिता लेके जाते फिर पांच वर्ष हाथ पकड़ के जाते पर जब तक आप बड़े नहीं हुए और तब जब तक आपको दर्शन नहीं होते तब तक आप दुग्ध पान भी नहीं करते श्री गोवर्धन धर दर के दर्शन करके ही आप कुछ ना कुछ लेते सो ये चतुर्भुज दास ऐसे भगवती हते सो अब वार्ता प्रसंग दो कहिए थे और एक दिन श्रीनाथ जी ने कहो जो चतुर्भुज दास आज तू मेरे साथ गाय चरावन को साथनाथ जी ने कही कि आज मेरे साथ गाय चराने चलो तब चतुर्भुज दास राजभोग आरती के दर्शन करी के आप गोविंद कुंड ऊपर जाए के बैठी रहे तब मंदिर में कुमन दास जी ने सबन से पूछी जो चतुर्भुज दास आज कहाँ गयो तब सबन ने कहो जो दर्शन में तो देखे है और पाछे तो हमने देखे नहीं तब जी अपने मन में विचार कर चतुर्भुदास कहा पाछे गुसाई जी जब श्री गोर्धन नाथ जी को अनोसर अपनी बैठक में बिराजे तब कुमन दास जी ने आए के दंडवत कीनी तब गुसाई जी ने कुम्बंदास दास से कहो जो कुम्बंदास दास तुम तो उदास क्यों हो तब कुमनदास जी ने कहो जो महाराज चतुर्भुज दास आ दर्शन में तो हतो सो अब नहीं देखिये थे सो कहाँ गयो तब गुसाई जी ने कुमन दास से कहो जो तुम आज पाछे चतुर्भुज दास की चिंता मती करो श्री गोर्धन नाथ जी आज्ञा किए हैं जो तुम मेरे संग गाय चरावन को चली हो चतुर्भुज दास श्री गोर्धननाथ जी के दर्शन करी के तत्काल गोविंद कुंड के ऊपर जाए अब श्री गोर्धननाथ जी गायन को चतुर्भुज दास को संग लेके बन में पधारते हैं श्री बलदेव जी सखान सहित सो अब कोई घड़ी एक में श्याम ढाक को पधारेंगे सो तुमको जानो हो तो सूदे श्याम ढाक को जाओ ता गोर्धन जी चतुर्भुज दास समाज सहित मिलेंगे यह सुनी के कुम्भन दास तहाते चले सुसुदे शाम श्याम ढाक को आए तहा देखे तो श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी सहित आप विराजत हैं सो सखा तो सब बैठे हैं और चहु दिस गाय सब चरत हैं तब कुमन दास जी ने जाए के दंडवत कीनी तब गोर्धन नाथ जी ने कुम्भन दास जी हंसी के कहो जो कुम्भन दास आओ बैठो तब कुमनदास जी ने गोवर्धननाथ जी को दंडवत कीनी फिर विनती की जो महाराज आज चतुर्भुज दास पर बड़ी कृपा करी तब कुमनदास ने गोवर्धननाथ जी को दंडवत कीनी फिर विनती की जो महाराज आज चतुर्भुज द... चतुर दास पर बड़ी कृपा करी ताते या के परम भाग्य है यह सुनी के श्री गोवर्धननाथ जी आप चुप होए रहे सो या भाती गोवर्धननाथ जी चतुर्भुज दास के ऊपर कृपा करण लागे तो जैसे कोई काल में कुमंदास जी को अपने साथ श्री गोवर्धनधर सर्वदास संघ में ही अब चतुर्भुज दास पे भी कृपा वही परंपरा में वैसे ही भाव वैसे ही प्रेम और वैसे ही अनुग्रह के साथ श्री गोवर्धनधर अब चतुर्भुज दास जी पे भी वैसे ही अनुग्रहित हुए हैं वार्ता प्रसंग तीन कहता है और एक समय श्री गोवर्धननाथ जी ब्रजवासीन के घर दूध दही माखन की चोरी करण को पधारे तब चतुर्भुजदास को यह आज्ञा करे जो कुंभना के तुह चलियो <laughs> बड़ी ब्रज की यह भाषा है कि कौन के बेटा मतलब। तो कही जो कुंभना के कुंभना प्रेम से कहते कुम्बनदास दास जी को सो कह रहे हैं अरे कुंभना के तू चलियो सो जाय के, के घर में बैठे तब श्री गोवर्धननाथ जी दूध दही माखन सब खाए पाचेवा ब्रजवासी की बेटी ने चतुर्भुज दास को देखे, श्री ठाकुर जी तो वहां को दीसे नहीं तब वह अपने बाप को पुकारी जो कुमना के बेटा ने हमारो दूध दही माखन सब खायो है, तब यह बात सुनी के दस पांच ब्रजवासी दौरी आए तब ठाकुर जी तो सखान सही भाज गए वे तो चोरी की रीत जानत हते और चतुर्भुज दास तो प्रथम ही इनके संग आए हते सो ये तो कछु जानत नहीं ताते ठाड़े हो रहे सो सब ब्रजवासी आए के चतुर्भुज दास को पकड़ी के भली भांति सो मारे हो पाछे वहा ब्रजवासी चतुर्भुज दास से कहे जो आज पाछे कब चोरी करण को बैठेगो तो हम तेरे बाप कुमना को पकड़ी लावेंगे पकड़ी लावेंगे ऐसे कही के ब्रजवासी ने चतुर्भुज दास को छोड़ी दिए तब चतुर्भुज दास गोर्धन नाथ जी के पास आए तब गोर्धन नाथ जी सखान सहित बहुत ही हसे तब चतुर्धदास ने गोर्धन नाथ जी से कहो जो महाराज दूध दही माखन तो सखान सहित आरोगे और मार मोको खवाई तब गोर्धन नाथ जी ने चतुर्बु दास से कहो जो तेने दूध दही माखन क्यों न खायो और जहां में भाजो और सब सखा भाजे तहा तू क्यों न भाज्यो तू क्यों मार खाए रहे हो तब चतुर्दास चतुर्बु दास सुनी के चुप हो रहे सो वे चतुर्बुदास श्री धननाथ जी के तथा गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र की भी नित्य लीला को बताती चलती श्रीनाथ जी आप केवल सारस्वत कल्प में माखन चोरी लीला करते न बाल लीला करते न सखान सहित आप भ्रमण करते गौचारण कराते ऐसा नहीं है ये केवल जून वाणी होकर श्रीमद भागवत आदि शास्त्रों के ही प्रसंग नहीं है अपितु आज भी नित्य अनुसर के बाद श्री गोवर्धन धर ये सभी प्रकार की अपनी नित्य लीलाओं को करने के लिए अपने सखाओं के सहित और सांप्रत समय के जो आपके कृपा पात्र सखा वृंद हैं उनको संग लेके आप अभी भी वैसे ही धावते हैं जैसे हमको लीला शास्त्रों में देखने को मिलते हैं ये वार्ता जी वार्ता के के प्रसंग किसी दिन जी ऐसे ही प्रसंगों को सुना रही थी आज वार्ता हमको चतुर्भुज दास जी के ये सब अलौकिक और दिव्य प्रसंग सुना रही है ऐसा नहीं है कि कुम्भन जी को अब संघ में लेके नहीं चलते पर कुम्भन जी जैसे जैसे शरीर से थके और जैसे जैसे ये बालक थोड़े बड़े भय तो वही कृपा जो इनके पिता पे रही वैसी ही कृपा श्री गोवर्धनधर ने ये चतुर्घुन दास पे भी करी ये बताने के लिए वार्ता जी हमको बता रही है कि आज भी श्री गुसाई जी को सब पता है कि इस समय श्री गोवर्धनधर क्या विचार रहे हैं आप क्या करेंगे कहा पहले पधारेंगे गोविंद कुंड से सब सखान को लेके आप शाम ढाक पधारेंगे गोवर्धन धर को चतुर्भुज दास आदि को, को बलदेव जी सहित गौचारण करते शाम ढाक पे छाक लीला करते आदि दर्शन करने हैं तो तुम सीधे शाम ढाक जाओ वहां तुमको श्री गोवर्धन धर जरूर प्राप्त होंगे आज भी गोवर्धन नाथ जी गोपालपुर और के स्थलों में कोई न कोई भक्त के घर में आप माखन आदि चोरी करने दुग्धादि चोरी करने दही आदि खाने आप अरोग ने आप पधारते ही हैं ये भी बताने के लिए वार्ताएं हमको इन प्रकृत दृष्टांतों से तत्कालीन सांप्रत समय के दृष्टांतों से लीला की नित्यता का बोध करा रही है हमको ऐसा लगता है कि हमने अनुसर करा दिए मतलब हमारे मंदिर हमारे कपाट में प्रभु बंद हो गए और प्रभु अब वहीं विराज रहे हैं ऐसा सर्वथा नहीं है प्रभु तो कब गेंद छड़ी लेकर और छोगा छड़ी लेकर आप बंटा जी जी और जारी जी पद्रा के चल देते हैं ये तो हमको नहीं खबर ये भगवदियों को ही खबर है ये तादृशी भगवत भक्तों को खबर है और ये पूर्वाचार्यों को ज्ञात होता है इसलिए पूर्वाचार्य भगवदीय जनों इन सबों के चरणारविंद में प्रभु के नित्य आश्रय की प्रार्थना हमको करनी चाहिए आओ मैं और आप आश्रय के पद के साथ चतुर्भुज दास एवं समस्त के में श्री गोवर्धन के चरनार्विंद में आश्रय की प्रार्थना करें और ऐसी विज्ञप्ति करें कि प्रभु यह लीला आप हमको भी दिखाओ हमारे घर भी आप विराजत हो हमको भी कहीं ले जाओ चोरीकरण भले हमको भी पिटवाओ पर हमको कछु तो दिखाओ बस ये एक विज्ञप्ति के साथ और आप आश्रय का पद करते हैं गोवर्धन की रही ये तरेटी श्री गोवर्धन की रई नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित ये तरेटी श्री गोवर्धन की रई तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं रसिक प्रीतम हित चित की बातें शिगिरधारी जिसो श्री गोवर्धन की रई ये श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री अम ने महाराणी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय आज के आनंद की जय